अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट के साथ मैं हूँ शरफजल। आज मैं एक ब्रोशर ट्राईफोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ जो कि आपके स्क्रीन पे सामने ओपन है, और उसके मॉकअप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक मॉकअप डिज़ाइन किया हुआ है, इसके अलावा ये आपको उसका प्लान है और ये मॉकअप है। तो ये मॉकअप हम कैसे बना के अपने क्लाइंट को दिखाते हैं कि यार मॉकअप उसका ऐसा बनेगा। मॉकअप बेसिकली होता है कि उसकी जो रियलिस्टिक व्यू जो होगा वो अपने क्लाइंट को दिखाओगे कि यार ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो ये अपने क्लाइंट को आप दिखाते हो, बेसिकली ये रियलिस्टिक व्यू होता है। तो हमने देखना है कि आज इस तरह का जो है हमने ट्राईफोल्ड ब्रोशर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मैंने चीज़ें यूज़ की है, टाइपोग्राफी क्या है, स्टाइलिंग क्या है। तो बेसिकली मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये A4 साइज़ को मैंने लैंडस्केप किया हुआ है, ये जो पेज है ये A4 साइज़ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे या कंट्रोल एन करोगे तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट आएगा। इसके अलावा आप प्रिंट में जाओगे, प्रिंट में आपने लेटर है, लीगर है A4 साइज़ में, ठीक है। तो यहाँ से आप RGB आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, मैंने वो CMYK सेलेक्ट करना है क्योंकि आप प्रिंटिंग के लिए दोगे तो मैं RGB यहाँ पे मैं प्रिंटिंग के लिए नहीं दे रहा हूँ। तो जो आपके स्क्रीन पर जो नज़र आया वो थोड़ा कलर थोड़े शार्प होते हैं, इसीलिए मैं RGB सेलेक्ट कर रहा हूँ। मगर आपने प्रिंटिंग के लिए जब देना होगा तो आपने CMYK ही नहीं करना होगा, ठीक है। आपने क्रिएट किया, ये एक पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट आ गया। इसमें इसको आपने क्या करना है, इमेज पे जाना है और रोटेट और यहाँ पे क्लॉकवाइज कुछ भी करो, ठीक है। तो ये आपने करना है, ठीक। तो ये आपका डॉक्यूमेंट बन गया। अब आप उसको थोड़ा जूम करोगे ना, तो जूम करने के बाद यहाँ आके आपने देखना है कि इसकी जो साइज़ है ये क्या है। यहाँ पर ये इसको आपने जो है ना देखना है, डिवाइड करना है। फिर इसी तरह जो है ना आपने इसको डिवाइड करना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। अब मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पर 14 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कोई अपना 11.5 आ रहा है मेरे ख्याल से, 11 इतना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट हमने अब क्या करना है, और काम हमने करना है वो ये है कि जस्ट इसको मैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस ये जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपको एक रूलर दिखाई दे रहा होगा, अगर कंट्रोल आर करोगे तो ये रूलर गायब हो जाएगी, फिर से अगर कंट्रोल आर करोगे तो ये रूलर दिखने लगेगी। फिर अगर आप अपने पैनल में जाओगे तो यहाँ से भी हो सकता है कि आप शो में करोगे, शो में आप स्मार्ट गाइड्स यहाँ पे रूलर्स मेरे ख्याल में ये यहाँ पे कंट्रोल आर वाला, यहाँ से भी आप जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हो इसको रूलर को। फिर आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ तक लेके आते हैं वो अपना रूलर, ठीक है। यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे ले, ये है 11 पॉइंट, आप एक्स की यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी, देखो 11.693 इंचेस है। तो ये कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, 11.693 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 3.9 इंचेस। आपने फिर इसको ड्रैग करते हुए लेके आना है x को 3.9 इंचेस की, x की वैल्यू चेंज होती हुई नज़र आ रही है, देखो 3.9 इंचेस, देखो 3.9 इंचेस की तरफ लिखा, ठीक है, इतना चलता है। तो 3.9 इंचेस, तो फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है। तो ये हो गया 7.8 कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर से हमने एक यहाँ पे उसको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लेके आना है 7.8, ठीक है। देखो 7.8, तो इतना जो है ना हमारे पास ये बन गया। ये हमने इसको डिवाइड किया, अपना जो डॉक्यूमेंट है इसको हमने डिवाइड किया है 300 में, क्योंकि ट्राईफोल्ड ब्रोशर है तो 300 में हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले एक शेप बना हुआ है, ये एक यहाँ से इसको एक कर्व किया हुआ है, इस तरह का एक शेप है। यहाँ से आप कर्व करके यहाँ पे शेप आपने ड्रा करना है रैंडम सा, जो यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है। तो ऑब्जर्व करो इस डॉक्यूमेंट को, यार ये किस तरह का शेप बना हुआ है। इसके बाद हमने एक पेन टूल यूज़ करना है, पेन टूल यूज़ करके हमने डिज़ाइन करना है कि क्या, मिसाल के तौर हमने किस तरह ये एक कस्टम शेप हमने बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे हम आए, पेन टूल हमने लिया, पेन टूल की शॉर्ट की पी है, कीबोर्ड से आप पी प्रेस करोगे तो ये शॉर्ट की आएगी, अपना पेन टूल सेलेक्ट होगा। फिर आपने इस तरह सबसे पहले यहाँ पे देखो यूँ ऊपर, फिर यूँ इस तरह है। आप
ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैं, ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा ये थोड़ा और चेंज बन सकता है। अब ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बने, अगर आप पेन टूल अलग अलग, आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ सकती है, अलग अलग वो आ सकते हैं, तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने इस तरह ट्राई किया हुआ था, तो ये ऑल्ट मैंने प्रेस किया, इस एंकर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो हैंडल है वो गायब हो जाएगा और अपनी मर्ज़ी से मैं वो चला सकूँगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर मेरा मेरी डिज़ाइन है थोड़ी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर कुछ डिफरेंट था, यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट करूँगा, मगर कुछ इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, फिर यूँ यहाँ पे, फिर यूँ इस तरह से है, तो जस्ट यहाँ पे मैं ये ऐसे कर रहा हूँ। ये आपकी मर्जी है, आप जो है डिज़ाइनर हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके, यहाँ पे यूँ इस तरह सी है, तो फिर मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। यहाँ पे लाने के बाद मैंने फिर से इसको कर्व किया थोड़ा सा, इस तरह से, तो ये इसके बाद जो है हमारे पास एक जो कंट्रोल कंट्रोल प्लस इंटर मैं कर रहा हूँ ताकि सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से मैं न्यू लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ। न्यू लेयर सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल बैक स्पेस, अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस मैंने किया तो इसके ऊपर एक कलर फिल हो गया। ठीक है, ये फिल हो गया, इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो ये डी सिलेक्ट हो गया। ये देखो आपकी डिज़ाइन पूरी एक बन गया है, जैसे तैसे एक बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट है, हमने यहाँ से कलर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको, इन जो शेडोज हैं इनको हटाऊंगा, तो एग्जैक्ट जो है कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डिफरेंट एरिया से। ये थोड़ा सा ग्रेडियन है ना, थोड़ा सा ग्रेडियन है, एक फोरग्राउंड कलर था, ये सेट में बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ आके मैंने इसको ग्रेडियन करना है। ठीक है, मैंने इसको ग्रेडियन देना है, तो मैंने ग्रेडियन यहाँ पे दे दिया, तो इसको मैं चेक करके यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फोरग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। तो अब यहाँ पे इसको मैंने दिया हुआ है लीनियर, तो मैं इसको लीनियर के बदले इसको हमें रेडियल भी कह सकता हूँ। वो सारी ये अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, कोई मना नहीं, कोई रूल नहीं इसकी, जो है ना ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पीछे भी एक बैकग्राउंड आ रहा है, उस बैकग्राउंड के भी हमने फोरग्राउंड, इसमें थोड़ा सा स्लाइट ग्रेडियन है, इतना ज़्यादा ग्रेडियन नहीं है, जस्ट हमने सेट करना है बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। ठीक है, आप फिर से इस पे आके ऑल्ट ऑल्ट पे प्रेस करके डबल क्लिक करना है ताकि अनलॉक हो जाए, फिर इस पर डबल क्लिक करोगे, फिर ग्रेडियन और ले पे चले जाओगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आपने फोरग्राउंड कलर देना है, यहाँ पे देना आपने बैकग्राउंड कलर। तो ये देखें आप, किसी हद तक जो है ये आपकी चीज़ जो है यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, कि ये चीज़ तो हो गया किसी तरीके से। अब इसके बाद है हमारे पास मेजर जो चीज़, हमारे इलिप्सिस हैं, 1 2 3 4 इलिप्सिस हैं हमारे पास, 1 2 1 2 3 4 इलिप्सिस। आपने जस्ट हमने क्या करना है, हमने शेप में जाना है, शेप में जाके इलिप्स इलिप्स को हमने पहले क्लिक करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, अदरवाइज वो शेप के साथ ज्वाइन हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक इलिप्स बनाया, अब इलिप्स को जो है, इलिप्स का मैं एक स्ट्रोक दे रहा हूँ, स्ट्रोक में दे रहा हूँ इलिप्स का, चलो यहाँ से नहीं देते हैं, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, स्ट्रोक पर मैं आ रहा हूँ। स्ट्रोक पर आने के बाद जो है ना, ये देखो इसको मैंने कोई स्ट्रोक दे दिया है, मगर ये नज़र नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे है, ऊपर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रोक आप कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करोगे, स्ट्रोक आपने थोड़ा सा मिसाल के तौर पर 30 रखना है, तो आप 30 रखें। तो और इसके अलावा मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह प्लेस करूँगा ऊपर कि मेरा जो है यहाँ पे नाम वगैरह लिख सकूँ मैं, ये इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक, ये एक लिप्स हो गया हमारा। अब इसको मैं ओल्ड प्रेस करूँगा तो ये देखो कर्सर चेंज हो रही, ओल्ड प्रेस करूँगा कर्सर चेंज हो गई, फिर इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा जहाँ पर मुझे लगाना है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर इसको मैं ड्रैग करूँगा, फिर कर्सर ओल्ड पे प्रेस करूँगा, फिर कर्सर को, जब कर्सर आ जाएगा ना तो ये ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाऊँगा। अब देखो डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज आया हुआ है ना, डिज़ाइन में थोड़ा, मतलब कोई इशू नहीं है डिज़ाइन में, कोई चेंज आया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
फिर मैं ये मैंने कर दिया यहाँ पे। ये डिज़ाइन में काफ़ी कुछ चेंज आया हुआ है। अब ये जो इलिप्सिस तो हो गए हमारे पास, अब एक और चीज़ है, ये है हमारे पास ब्रशेस स्ट्रोक्स जो है, ये आप कैसे ले सकते हो। गूगल में आप जाएंगे, सिंपल सा जो है गूगल में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रश स्ट्रोक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये उठा सकते हो आप, ये उठा सकते हो, कोई भी ला के जो है ना उसके ऊपर मैंने कलर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसको फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ले लेते हैं, इसको मैं ले रहा हूँ और इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने कलर ओवरले किया हुआ है। ठीक है, मैं ब्लैक था, इसको अगर मैं ऑफ करूँ तो ये देखो ब्लैक है, तो मैंने इसको गूगल से उठाया हुआ था, तो आप भी उठा सकते हो। तो फिर इसी तरह मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके वहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप टाइम सेव हो सके। ठीक है, टाइम सेव हो सके, ये कर दिया मैंने। अब इसको मज़ीद जो है इस तरह इसकी भी कॉपीज करते हैं, इसको रखते जाते हैं यहाँ पे ताकि हम टाइम सेव हो। ये देखो, अब फिर यहाँ पे भी इसी तरह जो है मैंने प्लेस किया। अब एक और काम ये है कि यहाँ पे मैंने बिरयानी, ग्रिल चिकन, चिकन फ्राई, फ्री ड्रिंक्स, ये सारे गूगल से मैंने इमेजेस निकाले हैं। आप भी यहाँ पे जाएं और फॉर एग्जांपल बिरयानी लिख के सर्च करें, ठीक है, बिरयानी लिख के और इमेजेस पे जाएं तो यहाँ पे बहुत सारी बिरयानी आ रही है। फिर मैंने फॉर एग्जांपल यहीं उठाया, शायद यहाँ से मैंने कॉपी किया इस इमेज को, यहाँ पे लाया और यहाँ पे इस इलिप्स को मैंने, ये वाला इलिप्स है, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल वी किया और इसको मैं इस इलिप्स के ऊपर लेके गया। और ये जो है ना, ये मैंने इसकी क्लिप मास, क्लिप मास करने के बहुत सारे तरीके, एक तो जिस पे क्लिप मास करना है उसके नीचे रखना है और इसके ऊपर जो है आपका जो जिस पिक्चर को आप क्लिप कर रहे हो वो आना चाहिए। फिर इसके ऊपर लाके हमने लेफ़्ट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करके क्रिएट क्लिप मास्क करना है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है एक ऑप्शन की उस ये दोनों लेयर्स के बीच में आपने आके ऑल्ट को प्रेस करना है और आके इनको कर्सर को इन दोनों के बीच में लेके आना और क्लिक करना है, यहाँ से भी होगा। तो ये दो तरीके हैं, यहाँ पे जो है ना मैंने इसको बिरयानी को एडजस्ट किया अपने तरीके से, तो ये आपका जो है इमेजेस इस तरह आ गए। अब मैं कोई इमेज दूसरा नहीं ले रहा हूँ। अब मैंने दो फॉन्ट्स यूज़ किए यहाँ पे। फॉन्ट्स में ये है कि ये एक, ये जो फॉन्ट, ये फूड मेनू मैंने जो जिस तरह लिखा है वो है, कौन सा है मैं दिखाता हूँ आपको, ये है आपका मोनोटाइप कर्सिवा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे लिखना है फूड मेनू, ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है, फूड मेनू मैंने जो है यहाँ से दोनों को कैपिटल, पूरा सबको कैपिटल रखना है और ये सिर्फ रेगुलर है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो अगर करना चाहे तो, सबको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करो और यहाँ पे इसको प्लेस करो वाइट में लाके, थोड़ा सा टिल करना है। ठीक है, इसको तो टिल करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम बच रही है क्योंकि ये डिज़ाइन चेंज हो गई, तो इसको मैं नीचे पुश कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ये पिक्चर पुश हो रहा है, तो इस दोनों को भी हम ग्रुप करके, इन दोनों को सेलेक्ट करके हम ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी से, कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा और इसको हम बिरयानी का नाम दे सकते हैं। ये सारी अपनी जिस तरीके से आप काम कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखो, हमने थोड़ा इसका नीचे पुश किया, पुश करने के बाद इसका जो ब्रश है इसको भी हम बिरयानी का नाम दे सकते हैं। इसी तरह आप नाम दे, अपने लेयर्स को ना नाम दिया करो ताकि आपको काम करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है मोनोटाइप कोर्सिवा, मोनोटाइप कोर्सिवा हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा टिल किया और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और मज़ीद शिफ्ट की मदद से बड़ा करें। अच्छा, एक और हमने नीचे लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ कि मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेस किया रेस्टोरेंट को। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ब्रश मैंने दिया हुआ है, ये ब्रश भी आप वहाँ से उठा सकते हो, उस ब्रश की जो मतलब गूगल से उठा सकते हो और यहाँ पे लाके मैंने प्लेस किया। ठीक है, और इसका कलर मैंने चेंज किया और यहाँ पे ये रख दिया। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसका, आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, या कोई और भी दे सकते हो आप। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बिरयानी लिखना है, यहाँ का जो पिक्चर है वो भी मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से मैंने उठाया ये वाला, इसको मैंने ला कर ड्रैग किया यहाँ पे। अब ये वाला एलिप्स कौन सा था, इसके ऊपर मुझे इमेज लेके आना है, फिर इसको मुझे क्लिप मास करना है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करूँ ताकि नज़र आए। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये वाला एलिप्स कहाँ है, इसके ऊपर मुझे लेके आना है ये वाला,
ठीक है, ये आ गया, इसको मैं क्लिप मार्क कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करते हुए कर्सर को इन दोनों लेयर्स के बीच में ला रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ। अब फ्री ड्रिंक्स वाला इमेज यहाँ से मैंने उठाया, ठीक है, ब्रेक, ऑलराइट, इंटर प्रेस करूँगा ताकि अप्लाई हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन वाला एलिप्स। अब यहाँ पे ये वाला एलिप्स कौन सा है, इसको इसको पर लेके जाना है, फिर क्लिक करना है, तो इसको एडजस्ट करो अपने हिसाब से, ठीक है। अब एक और काम ये करना है, एक और ये काम करना है कि हमने यहाँ पे लिखना है बिरयानी, वाइड में ये सारा बिरयानी के बाद इसको और सेलेक्ट और किया, मैंने वाइड सेलेक्ट किया और यहाँ प्लेस किया। अब यहाँ पे मैंने बिरयानी लगाया, तो इसके ऊपर लेना, अब ब्रश से ऊपर जाना है, सही। तो आप ग्रुप्स में एरेस्ट चेक करते हुए काम करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसको मैं कॉपी करते हुए यहाँ पे लेके आऊँ, इसको मैं ग्रिल चिकन का नाम दे रहा हूँ, ग्रिल चिकन, ये हो गया आपका ग्रिल चिकन। इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कम कर सकते हो, यहाँ से आके 24 कर दो, 24 से थोड़ा बाद 30 कर दो, स्पेसिंग हो गई कम। इसको मैं कॉपी करके कर रहा हूँ फ्राइड चिकन, ठीक है, या इसको कर रहा हूँ चिकन फ्राइड, ठीक। ये इसके बाद जो है ना ये मोनो स्क्रिप्ट का काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करके कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ला रहा हूँ और उसको नाम दे रहा हूँ फ्री ड्रिंक्स, ठीक हो गया। अब इसको भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ना, इस ब्रश को भी कि यार अब पतला करो थोड़ा सा, ये आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर। अब देखो तकरीबन हमारा जो लुक आता जा रहा है ना, लुक बिल्कुल आता जा रहा है, हमने फॉन्ट्स आपने देखना होता है, स्टाइल को देखना होता है, किस तरह का एलिप्स क्या यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रोक्स में भी थोड़ा सा ग्रेडियंट था, मैंने दिया नहीं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं काम कर रहा हूँ। अब ये मैंने ग्रुप्स बनाया है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैंने यूज़ किया है बिरयानी वाला ग्रुप, इसमें है इसमें मोनोटाइप स्क्रिप्ट वगैरह कोई नहीं है भाई, इसमें है ये वाला, इसमें है हेलवेटिका, है हेलवेटिका रेगुलर आइटम वन, आप देखो हेलवेटिका हेलवेटिका है, और जो है आइटम वन को मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो ठीक है हेलवेटिका बोल्ड। तो ये मैंने ग्रुप्स बनाए हैं बिरयानी के लिए ना, बिरयानी के लिए। तो ये देखो, अब जस्ट मैं इसको, ये मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। हाँ एक चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको, अगर टेक्स्ट को बिल्कुल इस तरह बराबर बराबर लिखना है तो एक काम करना होता है, टेक्स्ट में जाओगे यू, आपने ड्रैग करना होगा और यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे हेलवेटिका बोल्ड है तो हेलवेटिका रेगुलर मुझे करना होता है, और टाइप में जाओगे और पेस्ट लोरेप ये वाला कर दो, और इसका जो है आप कर दो 15-12 कर दो, 12 कर दो, तो ये इतना आएगा, ठीक है। और ये आपने सेलेक्ट, फिर यहाँ पे जाओगे पैराग्राफ में इस तरह सेलेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी चीज़ के बारे में अब लिख सकते हो, कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं कम कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा टाइप टूल सेलेक्ट है, ठीक है, मैं टाइप टूल का जो बॉक्स है वो कम कर रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे तो वो इनलार्ज हो जाएगा। फिर इसमें मैं लिख रहा हूँ फिर से आके आइटम 01, इसको सेलेक्ट करके मैं बोल्ड कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको 15 भी कर सकता हूँ, सही हो गया। इसको मैं यहाँ पे लग रहा हूँ इनके अलाइनमेंट देखो, ये जो मुझे दिखा रही है मेरी स्मार्ट गाइड्स ऑन है, ठीक है, स्मार्ट गाइड्स ऑन, आप भी ऑन कर सकते हो शो में जाके ऊपर, फिर इन दोनों को मैं अलाइनमेंट यहाँ से कर सकता हूँ, ये देख। अब मुझे एक और एलिप्स लेना है, एलिप्स क्लिक किया मैंने, एलिप्स को ऑन वो किया, शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैंने एलिप्स ड्रॉ किया। एलिप्स का कलर हमें पता है, ये वाला सॉरी कलर मुझे चाहिए
ये वाला ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, क्लिक करना है डॉलर या कोई भी करेंसी किस आपके क्लाइंट के क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। कंट्रोल ए वाइट, ये जस्ट इस तरह आपने कर दिया। इसको भी आपने जस्ट इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से आपका लोगो सेंटर में आएगा, यहाँ से आपका लोगो दूसरे दफा सेंटर में आएगा, इन दोनों का आपका लोगो ग्रुप और इसकी अलाइनमेंट में यू रख दोगे आप। यहाँ ये काम हो गया ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, बाकी कोई काम नहीं है। ये सब इन सब को मैं ग्रुप करके कंट्रोल जी करके ग्रुप करके इन सब को भी मैं कर सकता हूँ इस तरह, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। फिर इन तीन ग्रुप्स को सिलेक्ट किया मैंने, इनके बीच में मैंने अलाइनमेंट्स कर दी, एडजस्टमेंट्स हो गई। फिर इनको भी ग्रुप कर रहा हूँ, ये ग्रुप बन गया। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ से, फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो मोस्टली हो गया आपका काम ठीक है, सिंपल सा। अब क्या बचा है, ये भी बहुत सिंपल है। सिंपल किस तरह है देखो, आपने यहाँ पे आके इलिप राउंडेड रेक्टेंगल लेना है, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया ठीक है, ड्रो इतना सा करना है बस, ज़्यादा भी नहीं। करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा और क्लियर राउंड करना है ठीक है। राउंड करने के बाद इसको मैं यहाँ से नील कर रहा हूँ, यहाँ से मैं दे रहा हूँ इसको ये वाला, और यहाँ से मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 10 दे रहा हूँ ठीक है। देने के बाद इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट की मदद शिफ्ट को होल्ड कर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ रेस्ट्राइस, रेस्ट्राइस इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये इसको मैं इरेज कर सकूँ। फिर इरेजर में जा रहा हूँ, इरेजर में जाने के बाद जो है थोड़ा सा इरेजर छोटा कर रहा हूँ ठीक है। और फिर एलिप्टिकल टूल में जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये रही। और फिर यहाँ से मैं आके ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी राउंडनेस थोड़ी सेट कर रहा हूँ ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, जस्ट ऑर्डर नाउ, इसको ब्लैक रखना है, मैंने ब्रेक में रख लिया। और स्क्रीन के बीच में मुझे चाहिए स्पेसिंग अच्छी 200 की चाहिए ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं कोई नंबर दे रहा हूँ, नंबर में लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इसको, ये देख ये हो गया आपका नंबर। इसको मैं बोल्ड नहीं रख रहा हूँ, इसको मैं रेगुलर रख रहा हूँ ठीक हो गया। फिर यहाँ पे एक वेबसाइट है ऐसी इफेक्ट, इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ठीक है। इन सब के जो है फॉन्ट स्टाइल आपकी समझ में आ गई होगी, ये सारा काम हो गया आपका ना ठीक है। अब एक काम और करते हैं ठीक है। काम ये है, एक सबसे टॉप पे आके मैं ले रहा हूँ न्यू लेयर, न्यू लेयर लेने के बाद इसको कर रहा हूँ मैं सिलेक्ट, हो गया सिलेक्ट। यहाँ पे आया मैं ग्रेडियंट पे, जस्ट आपने क्या करना है, ये हो गया काम। इसकी ओपेसिटी करनी है और कम, इतनी ओपेसिटी आपने कर दी। फिर यहाँ से इसको कंट्रोल डी करो तो उसे सिलेक्शन कट जाएगा। फिर यहाँ से ऑल्ट प्रेस करो, इस ग्रेडियंट को कॉपी करके यहाँ पे लेके जाओ ठीक हो गया। आप अपने जो ये डिवाइडर्स थे, जो गाइड्स थे, उनको हटाओ। शिट शिट ठीक है, हटा दिया मैंने गाइड्स को। ये देख आपका जो फ्लायर, आपका जो ब्रोशर है, ट्राइफोल ब्रोशर, वो बिल्कुल रेडी है। इस तरह का मॉकअप अपने बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, एक मॉकअप को डाउनलोड करना होगा फ्री पिक में जाके। फिर जो है ना वो मॉकअप वाला, अगर आपको ट्यूटोरियल आप मॉकअप कैसे बनाना होता है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप जेन्युइन बंदे हो, आपने सीखना है। तो फिर जो है मैं बताऊंगा कि मॉकअप कैसे बनाते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा और मॉकअप बनाना आपने सीखना है तो आप कमेंट में जाके लिखे कि हमें मॉकअप चाहिए, या मॉकअप का PhD चाहिए, या हमें मॉकअप बनाना सीखना है, तो मैं आपकी आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, यहाँ तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।
That's it for today. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.